ठीक हो गया। ये सनातनी भाई हैं जी कोई? हेलो हेलो, हाँ भाई, सनातनी भाई हो? जी। भाई वेलकम। आपका आर्य समाज से हैं या नॉर्मल हैं आप भाई? नहीं, आर्य समाज जी तो सभी है हिंदू, लेकिन वो तो छूट चुका है। आप बताइए जिस विषय पर आप भी बात कराना चाहते हैं। तो क्या हुआ, आर्य समाज जी तो क्या हैं? मैं कह रहा हूं कि सभी हिंदू आर्य समाज है वो तो छोड़ चुके हैं। आर्य समाज और सनातन अलग अलग नहीं है? अच्छा, एक ही है? नहीं तो क्या है, सनातन किसको बोलते हो? सदा से आर्य समाज कौन होते हैं? आर्य समाज कोई ये थोड़ी ना, क्योंकि मतलब कि कोई संगठन अचानक से उत्पन्न हो गया। ये तो क्या नाम, कि सनातन सिद्धांत आर्य समाज और कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। यानी आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मूर्ति पूजा ना, मूर्ति पूजा नहीं करता मैं। अच्छा, मूर्ति तो फिर आर्य समाजी हुए ना? आर्य समाजी भी नहीं करते ना? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, हमारे महापुरुष हनुमान जी थे, जितने जितने महापुरुष रहे हैं, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करता था, ठीक है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं कह जबरदस्त सकते कि वो आर्य समाजी थे। नहीं, जबरदस्त, यानी इसका मतलब है वो आर्य समाजी नहीं थे। आर्य थे ये। आप अगर ये लोगों को ये यार आप भटकाना चाह फैसला रहे हैं कर कि आर्य लो, समाज, आप फैसला, सनातन भाई आप फैसला कर लो कि आर्य नहीं, मेरी समाज, बात आप कह रहे हो देखो, सनातनी और आर्य समाज जी एक है। अभी आप कह रहे हो कि वो सारे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जरूरी नहीं कि वो आर्य समाज जी हो, तो फिर मैं आप कह रहा खुद ही हूँ, कंफ्यूज हो कि भाई किसी को सनातनी कहना है देखो या आर्य समाज जी कहना है, खुद ही कंफ्यूज हो आप। भाई, मेरी तो बात सुनो। जी 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 मैं जी आपसे कह रहा, आप लोगों को, आप लोगों से पूछते हो आप हिंदू हो या आर्य समाजी हो, ये क्यों पूछते हो आप? नहीं, गलती लगी आपको सनातनी भाई। मैंने ये कहा चलो है कि आप छोड़ो, आप इस आर्य चीज समाज में, इस जी, चीज तो हम भाई इस रुक चीज जाना, छोड़ना में, क्यों, छोड़ना क्यों है, छोड़ो छोड़ो क्यों, हाँ चलो छोड़ो, छोड़ने के लिए नहीं बैठे, दबोचने के लिए बैठे हैं। पकड़ो पकड़ो अच्छा पकड़ो, अगर हिम्मत है तो पकड़ो। अच्छा चल, तू एक चक्कर लगा गया, पहले तुझे ठंडा करना। मैंने चल चक्कर लगा गया, चल शाबाश, चल जल्दी 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 जल्दी, शाबाश चक्कर लगा के आए, पहले तू, मैं ठंडा करूं। दोबारा लिंक क्लिक कर, दोबारा फिर मैं पकड़ता हूं। तू पहले मेरा लिंक पकड़, ये जो स्ट्रीमयार्ड का है उस लिंक को पकड़ के मेरे लिंक को तो ज्वाइन कर, फिर उसके बाद बात करते हैं। शान पत्ती नहीं करने का, सब कुछ करने का, जे कान छिकरे का, ईगो हर्ट नहीं करने का, बोला कितनी बार बोला। इनको लगता है इनको बिठा के शायद मुझे मदद, मैं तुम्हारे बगैर भी वैसे ही पुंगी बजाऊंगा, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की जुबान जो अपना अपनी जुबान के अंदर समझाऊंगा, और अल्लाह उस जुबान को तुम तक पहुंचा देगा इंशाल्लाह। जल्दी आ जाए बाबा। हाँ भाई, बात करनी है आपने ये शानपत्ती करनी है? यार मैं देखो, आपने बैक स्टेज कर दिया मुझको, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी ये बताओ आप। मेरी बात अब गौर से सुनो मेरा भाई, अच्छे से बात करनी है, बात करनी है या पंगा अच्छा, करना है पहले बता। मैंने कोई अभद्र शब्द प्रयोग किया? मैंने किया नहीं तो अभी तो कहा ना आपने, क्या नाम, कि हम पकड़ने के लिए बैठे हैं, तो मैं कह रहा पकड़ो। हाँ, तो पकड़ने के लिए तुमने कहा जी पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, छोड़ दो छोड़ हाँ तो दो छोड़ दो, दिखाओ पकड़ लो आप छोड़ जिस दो चीज, पकड़ लो। ओ भाई देखो बात कर रहे हैं मेरी बात, ओ मेरा भाई, मेरा भाई बात सुन, टाइम नहीं आता वेस्ट करने के यार लिए। आपको गुस्सा आ रहा है। ले बहुत अच्छे, गुस्सा मेरे छनकने को भी नहीं आ रहा, सुन तो लो भाई, बात तरीके से होगी ना, गुस्सा आ रहा है, बता सुन ले। देखो जब कोई आता है, आपने कहा पहले बात करते हो जी, पहले आपने मेरा पॉइंट पकड़ने की कोशिश की जी, सनातनी और आर्य में फर्क होता है, आपको इतना नहीं पता, और फलाना फलाना। मैंने उस पर कहा अच्छा यार, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा नहीं जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना चलेंगे, मौत जो बात चल रही है उसके मुताबिक चलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आर्य समाजी और होता है सनातनी और होता है, मैंने नहीं कहा। ठीक आर्य समाज, आप आर्य समाजी सनातनी हैं या आप नॉर्मल सन, मेरे शब्द ये थे कि आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं। नॉर्मल सनातनी से मुराद क्या है? मूर्ति पूजा करना, शिवलिंग की पूजा, पुराणास पर विश्वास रखना, पुराणास मानना, दूसरे रीति रिवाज, ये मेरी बात है। ठीक है अब मुझे बताओ, अब मुझे मैं, बताओ इसमें मैं गलत कहाँ हूं, क्या ऐसा नहीं है तो मुझे बता दो। आप गलत नहीं, चलो मैं गलत मान गया, आगे बात हाँ बताएं आप कौन हैं, ये मुझे बता दो, दिया ये मुझे बताएं आप कौन हैं। भाई। मैं आर्य समाज हूं। आर्य समाज से हैं आप?
जी ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं आप भाई? मैं स्वामी ने, हाँ गुरु है हमारे, गुरु हैं। ठीक है यार, बड़े बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे, बहुत अरसे बाद मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आर्य समाजी जो हैं वो मुझे बहुत कम मौका मिलता है उनसे बात करने का। नहीं आपकी और मेरी बात हमें अब जो होती रहेगी। अच्छा तो मैंने मैंने एक बात पूछनी थी, आप चूंकि आर्य समाज से हैं तो मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ भाई, सिर्फ जानकारी के लिए ना, आप चूंकि फर्स्ट टाइम आपसे मेरी बात हो रही है। ठीक 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 हो गया, और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि अब हमारी बात होती रहेगी। ठीक है, अच्छा जी सवाल ये मैंने पूछना है, ये मैं जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि आपसे बात बहुत अच्छे से चलने वाली है और बहुत मुझे लग रहा है कि आपसे मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका अंदाज है ना उससे मुझे लग रहा है कि आपके पास ज्ञान है, मुझे लगा फील आई है, बाकी देखें आप समय बताएगा, ठीक है ना। एक मिनट मुझे दीजिएगा, किधर गए हैं जी हमारे स्वामी जी, ये है। ये मैं जी आपके सामने ना एक चीज रखना चाह रहा हूँ, जो आपने समझा देना इसको। नहीं आप बोल के बता देगा, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं ये ओपन ओपन वो असल में बोल के फिर आप बाद में कहेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ बात हुई है। नहीं नहीं तो मैं चाह रहा हूँ, मैंने पूरा सत्यात प्रकाश मैंने पूरा पढ़ा, बताते रहिए। अच्छा पढ़ा आपने, ठीक हो गया, चलो ढूंढ रहे हैं मुझे तो पता है। जिस जो चीज ढूंढ रहा हूँ आपको पता है वो? हाँ बोल, आप निसंकोच बात करें, कोई समस्या नहीं, आपके जो माइंड में है बोल दो, कोई समस्या नहीं उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, ये जी मैं बात करना चाह रहा था इसके ऊपर, ये सत्यार्थ प्रकाश है जी, पन्ना है 109, ठीक है जी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार प्रश्न लोगों से पूछा है, उत्तर नहीं मुझे किसी ने दिया जी, किस बताइए, ये पढ़ ले जरा आपकी स्क्रीन पे, ये पृथ्वी वाला, ये ऊपर वाला, ये प्रश्न है, सूर्य चंद्र और तारे, ठीक है, क्या वस्तु है और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं जी, तो इसमें क्या समस्या है ये बताओ। पढ़े तो आप पढ़ ही नहीं रहे, प्रश्न पढ़ के समस्या क्या है, थोड़ी देर बाद कहते हैं समस्या क्या है, समस्या क्या है, पढ़ नहीं रहा तू, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा भाई, फिर कहते हो गुस्सा कर रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इन इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में से इन्हीं सम पदार्थ और प्रजा वस्ती है और ये ही सबको वसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उन सब उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है, और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य सृष्टि से भरा हुआ है। सॉरी रुकिएगा रुकिएगा भाई जी, रुकिएगा भाई, ये मेरा प्रश्न है, ये इससे आप इस लाइन से क्या समझे हैं, जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, पश्चात इनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह, क्या समझे आप इससे? हाँ तो प्रजा का अर्थ आप किसी चीज से लगा रहे हैं, आप जो आप कहते हैं ना वो बताएं, मैं नहीं पूछ रहा, मैंने इसी से कहा, आप क्या समझे मुझे आप बताएं। हाँ मैं इससे समझ रहा हूँ, जैसे हम प्राणी हो गए ठीक है ना, और लोगों को भी सूर्य हो गया, चंद्र हो गए, नक्षत्र वहां पर भी है, आप और मैं ऐसे लोग। हाँ नहीं ऐसे लोग नहीं, मैंने बोला, मैंने प्राणी की बात करी, प्राणी में तो कीड़ा भी आता है। प्रजा किसे कहते हैं? जीव वस्तु जी, प्रजा किसे कहते हैं? प्रजा का तो आपने बताया नहीं, आपने प्राणी डाल दिया, प्रजा किसे कहते हैं? नहीं प्रजा की उन्होंने मनुष्य थोड़ी ना बोलो ने भाई, जनसंख्या ओ भाई 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 अलग होती भाई, है भाई 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 भाई, है। भाई प्यारे भाई ये प्रश्न देखे, मनुष्य आदि ठीक है, और उत्तर में भी मनुष्य आदि प्रजा, मनुष्य आदि प्रजा, मनुष्य और मनुष्य इसका संधि विच्छेद करें ना, मनुष्य और आदि, मनुष्य आदि, मनुष्य 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 आदि, गाय भैंस कीड़े मकोड़े और वस्तु बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आप। नहीं मनुष्य आदि प्रजा का अर्थ क्या होगा, सिंपल मुझे बताना है आपने, क्या अर्थ है मनुष्य आदि प्रजा में, कौन कौन आएगा? मनुष्य आदि प्रजा का अर्थ है
कि जो जिस शरीर में आत्मावास करती है उसको भी मनुष्य से भिन्न और कोई जीव है उसको भी बोल रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, मनुष्य आदि प्रजा कहते हैं कि कोई और शरीर जिसमें आत्मा है उसको भी मनुष्य आदि बोल सकते हैं? बिल्कुल, आत्मा मनुष्य, मैंने उसको मनुष्य, मैं जीव की बात कर रहा हूँ, वो मनुष्य नहीं, सनातन भाई एक है, आप जो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं उसको अलग रखिए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो लिखा है यहाँ पर शब्द उसको अलग रखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मनुष्य आदि प्रजा लिख रहे हैं, मनुष्य, चले मैं आपसे पहले, मुझे लगता है आपकी ना हिंदी शायद मेरे से भी कमजोर है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, मैं आपसे सीखूंगा, मगर आपकी तो मुझसे भी कमजोर लग रही है। मनुष्य का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य और आदि, मनुष्य आदि का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य के अलावा और भी जीव। आदि, आदि से पहले हम ये प्रयास करते हैं कि मैं आपसे, मैं समझूं आपसे, एक मिनट भाई, हाँ बताओ भाई, एक मिनट, मनुष्य का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है मनुष्य का? मनुष्य आदि का अर्थ बताओ आप क्या होता है? बहुत अच्छे यार, आर्य समाज से आप, वो शास्त्र मैंने आपके लिए खोला है, मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे मैंने बताना है, तो फिर चले जाएं आप भाई। मनुष्य के साथ अन्य जीव भी आएंगे इसमें। भाई प्यारे भाई, मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए भाई। भाई मनुष्य तो हम हो गए, ठीक है ना, हम दो प्राणी हम मनुष्य हो गए। मैंने मनुष्य का उदाहरण नहीं मांगा, मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया, क्या हो गया है? आप आए तो मैं जी अब आता रहूंगा, इस तरह आते रहेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा ना दोनों का। मनुष्य के संबंध में क्या जानना चाह रहे हैं मुझे कोई बताओ आप। मुझे लग रहा है आप ना टाइम बाय कर रहे हो, आप ऐसे करो तैयारी करके आओ, मुझे मजा नहीं आ रहा आपके साथ बात करने में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं छोटे बच्चे के साथ बहस कर रहा हूँ जिसको आता जाता कुछ भी नहीं है। रियली सॉरी, ऐसा बच्चा, आप क्या समझे हो मनुष्य आदि पर, आप क्या समझे हो, आप अर्थ बता दो। क्या यार मुझे पैसे दिए हुए हैं, फीस है मेरे पास, क्या करते हो यार, पब्लिक का टाइम वेस्ट करते हो जी, मेरी भी एनर्जी फ्री के अंदर वेस्ट करो, क्या करते हैं? मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी बच्चे के साथ शरारत कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ उसे, या वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। ए जी आप बता दो, भरमबाजी ऐसे करते हो जैसे जनाब ऋषि यास्का के बेटे हो, जो सनातनी आता है मेरे गिरेबान को यूं पकड़ता है जैसे पतंजलि का शिष्य है, और जब पूछता हूं आप बता दो, पैसे दो फिर मुझे, आप बता दो, फ्री में बताऊं, दांत गिर गए मेरे संस्कृत पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते, बाल मेरे सफेद हो गए तुम्हारे शास्त्रों को खोलते खोलते, और जब पूछे जनाब टाई टाई फिश, तो मुझे कितने नफलों का सवाब है भैया, तो मुझे गारंटी मिल जाए कि आपको अर्थ बताने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तो मैं बताऊंगा, अगर आपके बाद भी मैंने स्वर्ग और नरक की गेम के अंदर आपके धर्म के अनुसार फंसे रहना है तो मुझे इतना कष्ट करने का क्या आवश्यकता है। आती होगी यार वैसे, प्यारे भाई आप बता दें, आप बताएं, मैं बताऊं, बैठा हूं मैं इतने, मैं आप बताएं, और काम कोई नहीं मिलूं,